अदनान वाटर टैंक लेकर आए हैं 6 लेयर वाटर टैंक्स, जिस पर दे रहे हैं 25 साल की गारंटी और भी सुरक्षित पानी की गारंटी। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ टीवी। आई न्यूज़ डालते हैं हैदराबाद न्यूज़ एक्सप्रेस के खास खबरों पर। तेलंगाना में लोकल बॉडीज कोटे की 6 एमएलसी सीट्स के लिए आज पोलिंग हुई। पोलिंग का सुबह 8 बजे से आगाज हुआ और शाम 4 बजे तक पोलिंग हुई। 6 हलकों में 37 पोलिंग सेंटर्स बनाए गए थे और कोविड गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल किया गया। आज़ाद ने पोलिंग को यकीनी बनाने वीडियोग्राफी रखी गई। जिले करीमनगर में एमएलसी की 2 सीट्स के लिए पोलिंग हुई। यहां से 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। आईटी मिनिस्टर तेलंगाना और हल्के असेंबली सीसला के एमएलए के तारक रामाराव ने आज सीसला के जेडपी स्कूल में बनाए गए पोलिंग सेंटर पर पहुंचकर अपना वोट डाला। रियासती वजीर जोगू रमना ने कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस टीआरएस की कामयाबी से बौखलाहट का शिकार है। उन्होंने कहा कि ये लोग आज़ाद उम्मीदवार को जिताने की कोशिश में मसरूफ है, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो रुख है। होम मिनिस्टर तेलंगाना महमूद अली ने कहा है कि सेक्रेटेरिएट में असल मुकाम पर ही मसाजिद तामीर की जा रही है। उन्होंने गैर जरूरी मुसलमानों में शुबात पैदा ना करने का कांग्रेस के लीडर मोहम्मद अली शब्बीर को मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि दोनों मसाजिद को असल मुकाम पर ही तामीर किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के लीडर मोहम्मद अली शब्बीर मसाजिद के नाम पर सियासत करते हुए आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी लीडर विजय शांति ने कहा है कि हालत नशे में गाड़ी चलाने की वजह से हालिया सड़क हादसात से जाहिर होता है कि हुकूमत को आवाम की जिंदगियों की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में हालात ऐसी है कि सड़कों पर सफर करने वाले लोग जिंदा घर वापस होंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पेट्रोल महंगा होने के बाद से दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स की खरीदी के ट्रेंड में इजाफा देखा जाने लगा है और लोगों की इलेक्ट्रिक बाइक्स की खरीदी में दिलचस्पी के नतीजे में मुल्क की मुख्तलिफ कंपनियों ने अपनी ई बाइक के अलावा स्कूटर्स बेचने का आगाज का फैसला किया है। नए साल से आवाम को एटीएम से रकम हासिल करना महंगा साबित होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नए साल के तोहफे के तौर पर एटीएम से फिक्स पीरियड से ज़्यादा मर्तबा रकम हासिल करने पर 25 रुपया चार्ज और टैक्स लगाने का फैसला किया है। फिलहाल ज़्यादा तादाद में रकम निकालने पर 20 रुपये चार्जस वसूल किए जाते हैं। शहर हैदराबाद में एक शोहर ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। ये वाकया राजेंद्र नगर पीएस लिमिट में पेश आया। एमएम पहाड़ी के रहने वाले परवेश की शादी चंद साल पहले 28 साल शमीम बेगम से हुई थी। वो अपनी बीवी पर शक करता था, उसे हरासानी किया करता था। कल रात खातून सो रही थी, शोहर ने तेज हथियार से इसका गला काट दिया और अपनी बीवी का सर तन से जुदा कर दिया। मुलजिम बीवी का कटा हुआ सर लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। रेलवे पुलिस नामपल्ली ने चौकसी के साथ इकदाम करते हुए ट्रेन में ले जा रहे 336 किलो गांजे को जब्त कर लिया और 14 लोगों की गैंग को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें 7 खवातीन शामिल है। ये गैंग गांजे को वाइजाक से मुंबई मुंतकिल कर रही थी। लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन पर नामपल्ली पुलिस ने इस गैंग को गिरफ्तार किया। तेलंगाना के जिले कामारेड्डी में ट्रैक्टर का टायर फटने से 2 अफराद ट्रैक्टर के इंजन के नीचे दबकर हलाक हो गए। मरने वालों में से एक साबिक सरपंच शामिल है। ये वाकया पोसनी पेट के गांव में पेश आया। साबिक सरपंच एक शख्स के साथ ट्रैक्टर में लाइट के खंभे ला रहे थे, इसी दौरान ट्रैक्टर का तवज्जो बिगड़ गया और ट्रैक्टर उलट गई। अदनान वाटर टैंक देता है बेहतर क्वालिटी और वेट की गारंटी, टैंक्स की मजबूती की गारंटी और आपके परिवार की सेहत की गारंटी।
क्योंकि ये टैंक्स बनते हैं 100% वर्जिन फूड ग्रेड मटेरियल से। तभी तो अद्दान वाटर टैंक लेकर आए हैं 6 लेयर वाटर टैंक्स, जिस पर दे रहे हैं 25 साल की गारंटी और भी सुरक्षित पानी की गारंटी। तो अपने नजदीकी रिटेलर से मिले और घर ले आए अद्दान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन, बंदलागुड़ा, हैदराबाद।